अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की तरफ जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स गिवन है हम लोगों ने डिस्कस करना कि उनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस है ये देखते हैं इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव द सेम एनर्जी सब पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है हम लोगों ने बताना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस की है इलेक्ट्रॉन एल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये हमारे पास गिवन है आइए इसको डिस्कस करते हैं द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एनर्जी हमारे पास पार्टिकल के लिए क्या होती है इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वेयर वी वेलोसिटी स्पीड को निकालें तो वी स्क्यर इज इक्वल टू टू ई डिवाइड बाय एम वी देन विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू ई डिवाइड बाय एम द डी ब्रॉगरी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल डी ब्रॉगरी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल किस तरह फाइंड की जाती है लेमदा इज इक्वल टू एच अवर एम वी फर्दर इसको लिखेंगे लेमदा इज इक्वल टू एच अवर एम अंडर रूट जो वी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी उसको बूट करते हैं टू ई अवर एम सो लेमदा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट टू ई एम सो so, इससे हमें पता चलता है कि जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके साथ मैस के साथ तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम लोग गिवन कंडीशन को देखते हैं स्टूडेंट्स जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी तमाम पार्टिकल्स के लिए द दबर्व रिलेशन शोज़ दैट मैसिव पार्टिकल्स हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ मैसिव बड़े जो लार्ज मैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती हैं एज मैथ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर सो इट हैज द शॉर्टेस्ट वेबलैंथ तो इन तमाम पार्टिकल्स में अगर कंपेयर करें तो मैथ जो होगा अल्फा पार्टिकल्स का वो ग्रेटर होगा और उसकी जो वेबलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होगी थैंक यू